नंबर वन स्टैंडिंग बिहाइंड नीक प्रेस, इससे पूरा शोल्डर मसल टारगेट होता है। इसमें आप शोल्डर की किसी भी तरह की इंजरी से बचने के लिए सही वेट का सिलेक्ट जरूर करें। तो सबसे पहले आप अपने पैरों को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर फैलाकर खड़े हो जाएं और बारबल को शोल्डर की चौड़ाई से अधिक वाइड ग्रिप से पकड़ लें। अपने गर्दन के पीछे से बारबल को ऊपर की ओर प्रेस करें जब तक कि आपका पूरा हाथ सीधा ना हो जाए, और फिर धीरे धीरे उसे स्टार्टिंग पोजिशन में लेकर आए। इस पूरे मोमेंटम के दौरान आप अपने बैक को सीधा रख के सही फॉर्म के साथ इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 2 सीटेड डंबल शोल्डर प्रेस, इससे भी आपका पूरा शोल्डर मसल टारगेट होता है। बारबल के मुकाबले डंबल से आप ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर पाते हैं। सबसे पहले आप बैक के सपोर्ट से एक बेंच पर बैठ जाए और फिर अपने ताकत के हिसाब से दोनों हाथों में डंबल को शोल्डर की हाइट पर पकड़ ले। कोर मसल को टाइट और बैक को बेंच पर फ्लैट रखते हुए डंबल को तब तक ऊपर की ओर प्रेस करें जब तक कि आपका पूरा हाथ सीधा ना हो जाए, और फिर कुछ सेकेंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे डंबल को शोल्डर की हाइट तक नीचे लेकर आए। इसके भी आप 10 से 12 रिपीटेशन के 3 सेट करें और हर एक सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट जरूर लें। नंबर 3 चेस्ट सपोर्टेड डंबल लेटर रेजेस, इस वेरिएशन से आप बिना किसी चीटिंग के साइड शोल्डर मसल को तेजी से आइसोलेट और चौड़ी बनाते हैं। वीडियो में दिखाए मुताबिक एक एडजस्टेबल बेंच को अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट करके चेस्ट के सपोर्ट से बेंच पर बैठ जाए या फिर खड़े हो जाए, फिर दोनों हाथों में डंबल को पकड़ ले। कंट्रोल फॉर्म के साथ डंबल को साइड की ओर तब तक उठाए जब तक कि डंबल शोल्डर लेवल तक न आ जाए, और फिर धीरे धीरे उसे शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। लाइटवेट डंबल का इस्तेमाल करते हुए इसके 12 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 4 सीटेड डंबल फ्रंट रेजेस, शोल्डर मसल को राउंडेड लुक देने के लिए इस एक्सरसाइज से फ्रंट डेल्टोइड मसल टारगेट होता है। इसे आप खड़े होकर या फिर बैठकर परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों हाथों में डंबल को लेकर एक बेंच पर बैठ जाए। बैक को सीधा रखते हुए डंबल को अपने सामने शोल्डर लेवल तक सीधा उठाए और फिर धीरे धीरे डंबल को शुरुआती पोजीशन में नीचे लाए। फ्रंट डेल्टोइड मसल को टारगेट करने के लिए अपने मोमेंट को स्लो और स्टडी रख के इसके भी सही फॉर्म के साथ 3 सेट और 12 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 5 मशीन रिवर्स फ्लाई, एक बैलेंस और ब्लाउडर शोल्डर को डेवलप करने के लिए इस एक्सरसाइज से रियर डेल्टोइड और अपर बैक मसल टारगेट होता है। इसमें आप मशीन को अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके चेस्ट के सपोर्ट से मशीन पर बैठ जाए और फिर दोनों हाथों से हैंडल को पकड़ ले। शोल्डर ब्लेड को एक साथ स्क्वीज करते हुए हैंडल को पीछे रिवर्स फ्लाई की पोजीशन में खींचे तो कुछ सेकंड होल्ड करें और फिर धीरे धीरे हैंडल को स्टार्टिंग पोजीशन में लेकर आए। इस पूरे मोमेंटम के दौरान आप अपनी एल्बो को हल्का सा बैंड करके रख के बिना बॉडी को झटका मारे सही फॉर्म के साथ इसके 3 सेट और 12 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 6 डंबल अपराइट रो, इस रूटीन को कंप्लीट करने के लिए हम एज अ फिनिशिंग के तौर पर अपराइट रो को परफॉर्म करेंगे, जिससे शोल्डर के साथ साथ ट्रैप्स मसल टारगेट होता है। इसमें आप अपने थाई के सामने दोनों हाथों में डंबल को पकड़कर खड़े हो जाए और फिर डंबल को सीधा अपने चेस्ट तक ऊपर उठाए तो कुछ सेकेंड होल्ड करे और फिर धीरे धीरे उसे नीचे लेकर आए। इसमें आप अपनी एल्बो को हाथों से ऊपर रख के और डंबल को बॉडी के क्लोज रखने की कोशिश करें। इसी तरह से इसके आप 10 से 12 रिपीटेशन के 3 सेट करें। ट्रेपेजियस मसल को टारगेट करने के लिए एज अ फिनिशिंग के तौर पर इस रूटीन में आप डंबल शक्स या बारबल शक्स एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके आपको 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करना है।